Hey everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. Today I will be sharing my experience on these two new launch product by Be Minimalist. एक है इनका ग्लाइकोलिक प्लस ट्रांसेमिक 11% बॉडी एक्सफोलिएटर. सेकेंड आई हैव दिस SPF 30 बॉडी लोशन. सो इट्स बीन मोर देन आई थिंक 15 और 20 डेज सिंस आई वॉज ट्राइंग आउट दीज प्रोडक्ट्स. सो आई एम गना बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स. सो फिर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉडी एक्सफोलिएटर. इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है, व्हाइट कलर की न्यू पैकेजिंग है ये. एंड ये है इसका अंदर का बॉटल. ये ग्लास बॉटल है, ऊपर ड्रॉपर दे रखा है. 60 ml का प्रोडक्ट है एंड दिस वन रिटेल फॉर 699 rupees. ये 700 rupees का आपको 60 ml यहाँ पे मिल रहा है. इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द टॉप आपको ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड मिल रहे हैं. सो आई अज्यूम कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन 5% ईच तो नहीं हो सकती, बिकॉज इन टोटल इन्होंने यहाँ पे लिखा है 11%. तो 11% कैसे होगा? 5% मान लो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, 2 या 3% इसमें लैक्टिक एसिड होगा, 7 हो गया. देन उसके बाद इसमें ट्रांसैमिक एसिड डला हुआ है, वो भी मान लो अगर 1 या 2% होगा. सैलिसिलिक एसिड उसके बाद है, तो वो भी 1% या मैक्स 2% होता है, राइट? तो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है. सो ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, दीज आर AHAs. ना ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो आपका अपर डेड स्किन लेयर होता है उसको रिमूव करते हैं. उसके बाद इसमें है ट्रांसैमिक एसिड, जो आपका जितना पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. एंड इसके साथ एक और इंग्रेडिएंट है जो सेम काम करता है, विच इज़ दिस 4N-butyl रेस्कोरिनोल. ये भी आपके डार्क स्पॉट्स एंड मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. देन इसमें सैलिसिलिक एसिड है, विच अगेन वी ऑल नो कि इट्स अ BHA और ये जितनी भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट ऐड किया है. नाउ टर्मरिक वी ऑल नो इट्स अ ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट, ये स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करती है. उसके अलावा इसमें कुछ गम्स हैं और कुछ pH एडजस्टर्स हैं, हाँ वही सब है. इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, इसमें कोई सिलिकॉन्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, डाइज नहीं है एंड असेंशियल ऑयल्स नहीं है. pH इसका 3.4 to 3.8 ये क्लेम कर रहे हैं. इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ वाटर, लाइक ये वाटरी सिरम जैसा नहीं है. इट फील्स लाइक स्लाइटली लाइक अ ऑयल, लाइक थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी मेरे को इसकी लगती है. कलर भी इसमें है, येलो कलर का टिंट है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द टर्मरिक रूट जो इन्होंने इसमें ऐड करी है. तो आई बिलीव कि वो उसी की वजह से ही वो कलर है. बट ये जो इसके अंदर स्लाइटली टैकीनेस है, आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ विच इन्ग्रीडियंट, बिकॉज इसमें एज सच कोई ऑयल तो नहीं डला हुआ है. हाँ, गम्स इसमें डेफिनेटली डली हुई हैं, 2-3 तरह की इसमें गम्स डली हुई हैं. बट आई डोंट नो, लाइक जब मैंने इसको अब यूज़ किया था द वेरी फर्स्ट टाइम, ये हल्का सा स्टिकी सा फील हो रहा था. काफ़ी टाइम इसने लगाया था, यू नो, एकदम लाइक ऐसा होता है कि जब ऑफकोर्स ये बॉडी एक्सफोलिएटर है तो इसको या तो इसको ऑफकोर्स या तो आप आर्म्स पे लगाओगे या आप अपनी लेग्स पे लगाओगे. तो जब फर्स्ट डे मैंने इसको लगाया था, इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था उसको यू नो सिंक इन होने में. लाइक ऑफकोर्स आपको ऐसा तो फील हो रहा था कि अब्सॉर्ब हो गया, बट एक होता ना कि ऐसे जब आप चलाते हो तो कुछ भी फील ना हो, वो वाला फील होने में कम से कम 15-20 मिनट मुझे फील हुए थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ मदर ऑफ अ थ्री एंड हाफ ईयर ओल्ड बेबी, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो, देन जब मैंने इसको यूज़ किया और मुझे उसको बोलना पड़ रहा था कि दूर हटो, मेरे से मत टच करो, डोंट टच मी, तो आई वॉज लाइक दैट. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यू नो, इस तरह का यू नो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज़ करने की बजाय आई वुड प्रेफर टू यूज़ अ बॉडी लोशन जिसके अंदर यू नो लैक्टिक एसिड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो, जो थोड़ा माइल्ड हो. क्योंकि ये तो एकदम मान लो जैसे मैंने लगाया और बाई चांस अगर उसने जैसे शी पुट हर यू नो उसने अपना मुंह मेरे यहाँ पे ऐसे करके रख लिया, तो मेरे को लगा कि यार उसका जल ना जाए या रिएक्शन ना हो जाए उसके फेस पे, बिकॉज किड्स बहुत नाजुक होते हैं. पर चलो वो तो सिर्फ मेरा पर्सनल मेरा केस है. बट एनी वेज, एंड ऑफकोर्स उसके बाद मैंने बॉडी लोशन भी लगाया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि यू नो कोई इरीटेशन ना हो.
नेक्स्ट डे मैंने इसको वॉश किया था, इट वॉज़ फाइन. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको फर्स्ट वीक में मैंने सिर्फ इसको एक बार यूज़ किया है, और ये भी ये रिकमेंड करते हैं कि यूज़ PM, आपको रात के टाइम पे ही इसको यूज़ करना है एंड वंस अ वीक से ही स्टार्ट करना है. जब आपको लगता है कि हाँ नाउ इट्स फाइन, आपकी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, देन आप इसकी फ्रिक्वेंसी अप टू ट्वाइस अ वीक भी बढ़ा सकते हो. उससे ज़्यादा मत करना, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और अब एकदम से अगर अपनी बॉडी को इस तरह के एक्सफोलिएटर्स दोगे तो आपकी बॉडी पे भी रिएक्शन आपको निकलना शुरू हो सकता है. सो मेरे केस में मैंने एक बार ही उसको यूज़ किया था फर्स्ट वीक में, इट वॉज़ फाइन. मुझे कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हुई है, एज दे आर सेइंग कि माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील हो सकती है, मुझे नहीं हुई. मैंने शेविंग के नेक्स्ट डे तो नहीं, उसके नेक्स्ट डे, लाइक जिस दिन मैंने शेव किया था लेग्स को, उसके एक दिन छोड़ के मैंने इसको अप्लाई किया था. इमीडिएटली शेविंग के नेक्स्ट डे ने इसको लगाना, अदरवाइज़ यू नो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन आपको ज़्यादा फील होगा. तो मुझे टिंगलिंग बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई, लाइक इट वॉज़ निगलेजिबल, लाइक थी ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी टिंगलिंग फील नहीं हुई. जैसे मोस्टली जब मैंने फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर जब मैंने ग्लाइकोलिक एसिड फेस पे लगाया था तो मेरे को हल्की सी टिंगलिंग, और अभी भी जैसे अगर मैं लैक्टिक एसिड सिरम लगाती हूँ तो मुझे हल्की सी टिंगलिंग फील होती है, वो मेरे को इसके साथ बॉडी पे तो फील नहीं हुआ. सो इट वॉज़ क्वाइट जेंटल, और ऐसे कोई रिएक्शन भी नहीं निकला. देन नेक्स्ट वीक मैंने इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ किया एंड देन इट वॉज़ परफेक्ट, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई. बट नाउ यू सी कि यू नो जो ये क्लेम कर रहा है कि ये आपका जो स्ट्रॉबेरी लेग्स होती हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को ठीक कर देगा, सो उसके लिए इट्स टू अर्ली, लाइक इट्स टू अर्ली टू यू नो से दैट कि हाँ ये उस पर काम करता है. यू हैव टू यूज़, ऑफकोर्स आप स्किन केयर की भी अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली जर्नली ग्लाइकोलिक एसिड, दीज सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दे स्टार्ट शोइंग रिजल्ट आफ्टर अ यूसेज ऑफ 3 to 4 or 6 months. लाइक हर एसिड का अलग अलग टाइम पीरियड होता है. फिर मेरी स्ट्रॉबेरी लेग्स तो नहीं है, बट हाँ एक जो है, ऑफकोर्स हम शेविंग करते हैं तो जब 2 दिन के बाद जब दोबारा से वो जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं वो हल्के हल्के ऊपर आ जाते हैं तो ब्लैक ब्लैक दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज़ वेरी कॉमन. तो अभी मुझे ये देखना है कि वो उस सिचुएशन पे काम करेगा या नहीं, बट आई फील कि उस सिचुएशन पे काम कैसे कर सकता है. अंदर से हेयर फॉलिकल्स और हेयर्स को थोड़ी अंदर से जला देगा या पूरे हेयर्स को थोड़ी बाहर निकाल देगा ये, बिकॉज हम तो शेव करते हैं. सो दैट व्हाट आई हैव फेल्ट. बट हाँ ठीक है, अभी मैं इसको पूरा फिनिश करके देन आई शेयर माई फाइनल वर्ड्स विद दिस वन, और कुछ भी मुझे लगेगा कि हाँ दिस हैज़ शोन रिजल्ट्स तो मैं इसका अपडेटेड रिव्यू आपको दोबारा से दे दूंगी. बट ओवरऑल इट्स अ गुड वन. अगर आप यू नो इस तरह के एक्सफोलिएटर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप यू नो इतना तामझाम नहीं चाहते हो कि हाँ यू नो थोड़ा डर में नहीं रहना चाहते हो, तो आई वुड से आप कोई बॉडी लोशन ले लीजिए जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है. सुगंधा हैज़ अ लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन, आप वो ले सकते हो. डव का भी आता है जिसको मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, वो भी अच्छा है. सब लोशन में भी जा सकते हो अगर आप यू नो इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, बट हाँ इट्स अ गुड वन. इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन. सेकेंड वी हैव दिस SPF ऑफ 30 बॉडी लोशन, दैट्स हाउ दिस पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये 150 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड दिस वन रिटेल फॉर 499 रुपीज़, 500 रुपये का 150 ml. तो इसके देखो इंग्रेडिएंट्स में ऑन द टॉप आपको कुछ केमिकल फिल्टर्स मिल रहे हैं. इसमें कोई भी फिजिकल फिल्टर नहीं है, इसमें सारे ही केमिकल फिल्टर्स डले हुए हैं. इसमें आपको यूनुअल T150, यूसोलेक्स OCR, यूसोलेक्स 9020 मिल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम फिल्टर्स इसमें कुछ ह्यूमेक्टेंट्स हैं, शिया बटर है, ग्रीन टी है एंड वाइटामिन ई इसमें डली हुई है. ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट्स, ये फ्री रेडिकल डैमेज को भी ठीक करने में हेल्प करते हैं. इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स नॉट एट ऑल अ वेरी थिक और लाइट रनी लोशन, बहुत ही मीडियम सी कंसिस्टेंसी है इसकी. काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ये और काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. एक जैसे
इसका बेस्ट एग्जांपल आपको ये दे सकती हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद जैसे एक स्वेटी स्वेटी सा फील आता है ना, मोस्टली जो हैवी मॉइस्चराइजर लगा के आता है वो इसके साथ नहीं आया मुझे। एंड अभी ये हाफ से फिनिश, ज़्यादा फिनिश हो चुका है बिकॉज ऑफकोर्स क्वान्टिटी बहुत कम है। और ये ऑफकोर्स अगर आपको बाजुओं में लगाना है और पूरी लेग्स पे लगाना है तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई फील ओवरऑल दिस वन इज़ गुड। मैंने इस बार लाइक इन गर्मियों में लाइक ऑफकोर्स मैं अमायरा को छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तो मैं अभी अपनी यू नो आर्म्स पे लेग्स पे नहीं इतना ज़्यादा, पर हाँ आर्म्स पे मैं डेफिनेटली सनस्क्रीन्स अभी मैंने लगा रही हूँ बिकॉज बहुत सारी सनस्क्रीन्स ऐसी पड़ी हैं जो पुरानी भी होने लग गई हैं, तो मैं अभी उनको बॉडी पे लगा के फिनिश कर रही हूँ, या वो जो मेरे लिए हैवी थी फेस के लिए उनको मैं अपनी बॉडी पे फिनिश कर रही हूँ। तो पिछले 2 महीने से मैं सनस्क्रीन्स लगा रही हूँ, तो पिछले 10-15 दिन से मैं इसको लगा रही हूँ, तो एज सच देखो मुझे कोई टैनिंग वाला प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ जो मेरे को यू नो सन में जाके या मिट्टी से मेरे को ऐसे रेड 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 दाने 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 निकल जाते हैं। आई डोंट नो, माई स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, सो वो निकल जाते हैं, वो मुझे नहीं निकले। सो ओवरऑल इट्स गुड वन, पर थोड़ा सा ये है कि ठीक है आपने प्राइस 500 ml रखा है, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी या तो फिर प्राइस कम कर देते। ओवरऑल इट्स अ गुड वन, आई लाइक इट, बट वेदर आई विल बी रीपरचेजिंग दिस वन फॉर द प्राइस, आई थिंक नो। एक तो इन पे डिस्काउंट भी नहीं होते हैं, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड रादर गो फॉर द निविया का जो मैंने बॉडी लोशन लिया है SPF 50 वाला, उसमें SPF 50 है, इसमें SPF 30 ही है, प्राइस आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है, आई विल सी दैट लेटर, बट या ओवरऑल इट्स गुड वन। इफ यू आर प्लानिंग टू गेट दिस वन यू कैन। दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज गाइज, अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल, बाय बाय।